माय चैनल, मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन ऑफ फंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फंगस जो है वो आपका एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का एक लार्ज ग्रुप होता है, जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि ईस्ट या मोल्ड आते हैं, एज वेल एज जो मशरूम की बहुत सारे फेमिलियर कैटेगरीज है वो आपके फंगस ग्रुप के अंदर ही आता है। फंगल जो रिप्रोडक्शन होता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है और बेसिकली जो फंगी होते हैं वो आपको तीन तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। पहला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेकेंड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और थर्ड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो बेसिकली आपके फंगल थैलस मतलब फंगल बॉडी के सोमैटिक पोर्शन को इन्वॉल्व करता है और यहाँ पे बिना सीड या स्पोर के फॉर्मेशन के आपके जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो आपके नए इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन करते हैं मियोसिस या फिर सिंगैमी के थ्रू। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो आपको फॉलोइंग मेथड से होता है। पहला है फ्रेगमेंटेशन, सेकेंड है फिजन, थर्ड है बडिंग, फोर्थ है उडिया, फिफ्थ है आपका क्लैमिडोस्पोर्स, सिक्स्थ है आपका राइजोमॉर्फ्स और सेवन्थ है आपका स्क्लेरोटिया। इन सारे मेथड से आपका वेजिटेटिव वे में आपके फंगस जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले है फ्रेगमेंटेशन। इसमें क्या होता है कि जो माइसीलियम या तो एक्सीडेंटली या फिर किसी मैकेनिकल इंजरी या फिर माइसीलियम खुद ही आपका ब्रेक हो जाता है फ्रेगमेंट्स में, ठीक है, या फिर माइसीलियम आपके सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे ये देखिए, ये आपका फंगस है, ये आपका सेप्टा है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये आपके स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट है। तो किसी भी एक्सीडेंटली या फिर किसी इंजरी या फिर खुद ही ये माइसीलियम जो होते हैं वो आपके ब्रेक हो जाते हैं और जो हर एक सेगमेंट होता है वो फर्दर आपको डिवाइड करता है। एपिकल ग्रोथ होती है वो आपके एक नए माइसीलियम का फॉर्मेशन करती है फेवरेबल कंडीशन में। सेकंड है फिजन। ये जो यूनिसेलुलर फंगी होते हैं उनमें जो फिजन ईस्ट होता है वो आपको इस फिजन मेथड के थ्रू मल्टीप्लाई करता है। यहाँ पे जो पेरेंट सेल होते हैं वो पहले इलोंगेट होते हैं। देखिए यहाँ पे ये पेरेंट सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये वैक्यूल है, ठीक है, और ये आपका एक फंगी है, ठीक है। ये क्या करते हैं, पहले इस तरह से इलोंगेट होते हैं, ठीक, उसके बाद फिर वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होते हैं, लेकिन इनका जो न्यूक्लियाई है वो भी पहले फर्स्ट डिवाइड होता है, उसके बाद फिर इनका इनके साइटोप्लाज्म मतलब अंदर के साइटोप्लाज्म का डिवीजन उसके बाद होता है, फिर एक वॉल का फॉर्मेशन होता है और फिर वो आपके दो डॉटर्स में सेपरेट डेवलप हो जाते हैं और अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ में वो जीते हैं। बडिंग, इसमें जो सेल्स होते हैं वो आपके पेरेंट्स से जो रिप्रोड्यूस करते हैं वो एक स्मॉल आउटग्रोथ के फॉर्म में करते हैं जिसको कि बड कहते हैं, ठीक है। जैसे ये आपका फंगस है तो फिर इनमें धीरे से इन्हीं के पार्ट का थोड़ा सा इलोंगेशन हो जाता है और इस इलोंगेशन को हम बड कहते हैं। बड धीरे धीरे आपका लार्ज होता है और फाइनली फिर वो पेरेंट्स से सेपरेट हो जाता है एक क्रॉस वॉल के थ्रू और जो एंड डेवलपमेंट होता है न्यू इंडिविजुअल्स। जैसे ईस्ट में समटाइम्स क्या होता है कि ये बड आपके सेपरेट होने से पहले फिर एक और बड का डेवलपमेंट हो जाता है इनसे, फिर इस तरह से तो एक ये चेन फॉर्म कर देते हैं न्यू बड्स का, ठीक, और फाइनली वो फिर सेपरेट हो जाते हैं अपने पेरेंट सेल से। नेक्स्ट जो मेथड है वो है उडिया। कुछ जो फिलामेंटस फंगी होते हैं उनका जो हाइफे होता है वो ब्रेक हो जाता है एक इंडिविजुअल सेल्स में, उस सेल्स को हम उइडिया बोलते हैं या फिर ऑर्थोस्पोर्स बोलते हैं। सेल्स जो होते हैं वो राउंड या फिर ओवल हो जाते हैं शेप में और वो एक बीट्स की तरह दिखाई देते हैं। जो हर एक ओडियम या आर्थोस्पोर होता है फिर वो एक न्यू माइसीलियम का ग्रोथ करता है। देखिए ये हाइफे है, हाइफे से यहाँ पे देखिए ये सेपरेट होने लगते हैं और इसको हम ओडियम बोलते हैं और ये आपका हाइफे है, ठीक, और इस फिर इस ओडियम से आपके नए माइसीलियम यानी कि सेल फंगस बॉडी का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट मेथड है वो है आपका क्लैमिडोस्पोर्स। क्लैमिडोस्पोर्स जो होते हैं वो आपको वन सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं जो कि एक पेरिनेटिंग बॉडी की तरह फंक्शन करते हैं।
ये या तो सिंगल फॉर्म होते हैं या फिर एक चेन की तरह फॉर्म होते हैं वेजिटेटिव हाइफे से। फिर उसके बाद ये थिक होते हैं और इनके चारों तरफ एक रेजिस्टेंट वॉल डेवलप होती है और जो फूड मटेरियल होता है वो एक्यूमुलेट होने लगता है, जिससे कि जो फंगस होते हैं वो आपको एक दूसरे से बाइंड अप हो जाते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस में। जब आपका फेवरेबल कंडीशन रिटर्न होता है तो ये क्लैमिडो जो क्लैमिडोस्पोर्स होते हैं वो आपके एक नए माइसीलियम में डेवलप करते हैं। देखिए इस तरह से होता है। फिर ये फ्रैगमेंट्स आपके अटैच होते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है वो इससे सेपरेट हो जाते हैं और जब तक ये आपके मेन बॉडी से कनेक्टेड पैरेंट से कनेक्टेड होते हैं इसके अंदर ही आपके फूड मटेरियल्स एक्युमुलेट होता है, इनके चारों तरफ एक रेजिस्टेंट वॉल डेवलप हो जाता है और धीरे धीरे ये थिक होने लगते हैं। आपका राइजोनॉर्फ्स जैसे कुछ हायर फंगी होते हैं उनके हाइफे आपको एक इंटरवुबन मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड एक रोप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसको कि राइजोमॉर्फ्स बोलते हैं। देखिए ये आपका हाइफे है ठीक, इसमें से आपके इस तरह से रोप लाइक ये आपके निकलते हैं स्ट्रक्चर्स जिससे कि आप वो बाइंड अप करके आपको इस तरह का राइजोमॉर्फ का फॉर्मेशन करते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन में ये अपने ग्रोथ जो होता है उसको नहीं होने देते, लेकिन जब फेवरेबल कंडीशन होता है तो वो आपको एक नए माइसीलिया का जनरेट करते हैं और फिर ये आपको पेरिनेशन की तरह सर्व करते हैं। नेक्स्ट मेथड है स्क्लेरोटिया। कुछ फंगी जैसे कि क्लेविसेप्स में ये जो हाइफे होता है वो एक इंटरवुबन हो जाता है मतलब एक दूसरे में इस तरह से उलझ जाता है कि ये एक कॉम्पैक्ट मास फॉर्म कर देता है जिसके चारों तरफ एक कवरिंग डेवलप हो जाती है। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम स्क्लेरोटिया बोलते हैं और ये फेवरेबल कंडीशन में नए माइसीलियम में डेवलप होते हैं और अनफेवरेबल कंडीशन में वो वैसे ही मेंटेन रहते हैं। तो ये था आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन फंगी। अब देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस। ये बहुत ही कॉमन मेथड होता है रिप्रोडक्शन का, मतलब कि अगर सेक्सुअल और एसेक्सुअल की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे कॉमन मेथड है जिसके थ्रू आपके मोस्ट ऑफ दी फंगी जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं। यूजुअली आपके एक सीजन में ये चीज कई बार होती है, मतलब वो कई बार एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और ये आपको एक स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल के फॉर्मेशन के थ्रू होता है जिसे कि स्पोर्स बोलते हैं। ये जो स्पोर्स फॉर्मेशन होता है फंगी में इसे स्पोरुलेशन कहते हैं ठीक, जिसमें कि हर एक स्पोर जो होता है एक न्यू माइसेलियम में डेवलप होता है और ये न्यू माइसीलियम में इसलिए डेवलप होता है मतलब इनका जो फॉर्मेशन होता है स्पोर्स का वो आपका माइटोसिस के थ्रू होता है, मतलब पेरेंट सेल में आपका माइटोसिस होता है जिसकी वजह से ये स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं और फिर ये आपके एक नए माइसीलियम में डेवलप होते हैं। और चूंकि ये माइटोसिस के थ्रू होता है इसलिए इनको माइटोस्पोर्स भी कहते हैं। ये स्पोर्स जो होते हैं वो आपको वेरी करते हैं कलर शेप साइज नंबर अरेंजमेंट कैसे है उनका हाइफे के ऊपर और किस वे में वो बर्न हुए हैं, मतलब किस कौन सा मेथड यूज करके वो बर्न हुए हैं। स्पोर्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस में जो स्पोर्स होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं। जो माइटोस्पोर्स है वो जो फंगी में प्रोड्यूस होते हैं वो बेसिकली थ्री टाइप्स के होते हैं। पहला है स्पोरेंजियोस्पोर्स, सेकेंड है जूस्पोर्स और थर्ड है कॉनिडियोस्पोर्स। स्पोरेंजियोस्पोर्स जो होते हैं वो आपको एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में प्रोड्यूस होते हैं जिसे स्पोरेंजियम कहते हैं और हाइफे जो इस स्पोरेंजियम को बियर करता है उस पे स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। जैसे ये देखिए ये हाइफे है और इसके ऊपर ये जो है ये आपका स्पोरेंजियम है और ये चूंकि ये हाइफे जो कि इस स्पोरेंजियम को बियर कर रहा है उसे स्पोरेंजियोफोर बोलते हैं और जब ये आपका जो स्पोरेंजियम है वो ब्रेक करता है तो इसके अंदर से ये स्पोर्स रिलीज होते हैं ठीक। जो हाइफे होता है ये जो स्पोरेंजियोफोर होता है वो आपका ब्रांच्ड होता है और जो स्पोरेंजियोस्पोर्स होते हैं वो मोटाइल या फिर नॉन मोटाइल हो सकते हैं और जो नॉन मोटाइल स्पोरेंजियोस्पोर्स होते हैं उन्हें एप्लांटोस्पोर्स बोलते हैं। सेकंड आपके स्पोर्स जो होते हैं वो है जूस्पोर्स। एक्वेटिक फंगी में
आपके मोटाइल बाई फ्लैगलेट स्पोरेंजियोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, मतलब उनके दो आपके फ्लैगेला होते हैं, ठीक। तो उसे जू स्पोर्स कहते हैं, और ये स्पोरेंजियम जो कि आपको जू स्पोर्स को बियर करता है उसे जू स्पोरेंजियम कहते हैं। मतलब ये जो है आपका जू स्पोरेंजियम है और ये आपके जू स्पोर्स है। ये जो जो जू स्पोर्स होते हैं वो आपके मोटाइल होते हैं, लेकिन इनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट जो स्पोर है वो है कॉनिडियोफोर्स। कॉनिडियोफोर्स जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं और डेसीडियस माइटोस्पोर्स होते हैं, जो एक्सटर्नली एज अ सिंगल सेपरेट सेल फॉर्म होते हैं। ये डेवलप होते हैं या तो डायरेक्टली माइसेलियम से या फिर मार्फोलॉजिकली वो डिफ्रेंशिएट करते हैं अपने आप को हाइफे से, उन्हें आपको कॉनिडियोफोर्स कहते हैं। थर्ड मेथड जो रिप्रोडक्शन का फंगस में वो होता है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल स्टेज होता है फंगी का उसे परफेक्ट स्टेट कहते हैं, और जो एसेक्सुअल स्टेज होता है उसे इम्परफेक्ट स्टेट कहते हैं, ठीक। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली क्या होता है कि दो कॉम्पेटिबल सेक्स सेल्स जो होते हैं वो फ्यूज होते हैं, मतलब सेक्स सेल्स या फिर गैमेट्स जो होते हैं वो फ्यूज होते हैं ऑपोजिट स्ट्रेन्स के। जो फंगल सेक्स ऑर्गन्स होता है उन्हें गैमेटेंगिया बोलते हैं, और जो मेल गैमेटेंगिया होता है उसे एंथ्रीडिया, और फीमेल वाले को एस्कोगोनिया बोलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बेसिकली आपका थ्री फेज में होता है। सबसे पहला है प्लाज्मोगैमी, फिर उसके बाद स्टेज आता है कैरियोगैमी का, और थर्ड स्टेज है वो है और थर्ड होता है मियोसिस। सबसे पहला होता है प्लाज्मोगैमी, जिसमें कि आपके जो दो रिप्रोडक्टिव हाइफे या सेल्स एक मेल और दूसरी फीमेल को एक पास लाया जाता है, जिससे कि उनके प्रोटोप्लास्ट का यूनियन हो सके, और जिसकी वजह से जो दोनों आपके मेल और फीमेल की न्यूक्लियाई हैं वो दोनों पेरेंट्स के वो क्लोज आ सके एज अ पेयर। लेकिन इस स्टेज में आपको न्यूक्लियाई का फ्यूजन नहीं होता है, और इस तरह के सेल को हम डाइकैरियन बोलते हैं। प्लाज्मोगैमी के बाद आता है आपका कैरियोगैमी, जिसमें कि ये दोनों न्यूक्लियाई जो होते हैं वो फ्यूज कर जाते हैं। फिर उसके बाद आपका आता है मियोसिस स्टेज। इस स्टेज में फिर मियोसिस के थ्रू आपके फोर जेनेटिकली डिफरेंट स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ये था अबाउट आपका रिप्रोडक्शन ऑफ फंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।